सबसे पहले इंडस्ट्री से बहुत बड़ी खबर आई है, बहुत बुरी खबर आई है। क्या कहना चाहेंगे आप? राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तो बहुत ज्यादा शॉक में हूँ। आज सुबह इस बुरी खबर से शुरुआत हुई और ये तो बिल्कुल मतलब शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि हम लोग एकदम 1.5 महीने से उनकी फैमिली से टच में थे और रोज प्रे करते थे कि अब राजू जी अच्छे हो जाएंगे, अब अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आज बहुत ज्यादा दुखद खबर ये सुनने को मिली है, तो एकदम शॉक की स्टेट में हूँ मैं अभी तो। सुगंधा, आज आप राजू श्रीवास्तव को कैसे याद करना चाहेंगे? राजू जी देखिए हमेशा हंसते रहे और सबको हंसाते रहे, तो जब भी राजू जी का नाम आता है तो हंसी चेहरे पे और उनकी एक हंसी वाली छवि वो मेरे जहन में बसी है। और मतलब मैं बोलूंगी कि कॉमेडी किंग रहे वो और हमेशा रहेंगे, उनको उनके जैसा ना कोई था ना कोई होगा। क्योंकि मैंने उनके साथ वर्ल्ड टूर भी किया था, 2 महीने के लिए हम लोग साथ में थे राजू जी और मैं US टूर में, तो मैंने उनको भी जाना भी था एज पर्सन कि वो किस तरीके के हैं, तो मुझे और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई थी उनके लिए। तो आज कैसे याद करना चाहेंगे, उनकी छवि को कैसे याद करना चाहेंगी, और कितनी बड़ी क्षति मानती है इंडस्ट्री के लिए? बहुत ज्यादा बड़ी मानती हूँ देखिए कि वो हम सबकी इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख देख के, उनको सुन सुन के इतना सीखा है और इतने अच्छे इंसान, इतने हम्बल। मतलब मुझे तो सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि राजू जी, मतलब ऐसी न्यूज आई है। मैंने न्यूज खोल के देखी, घर पे फोन किया, सबसे पूछा मैंने कि सच न्यूज है, उनके उधर घर पे फोन किया, तो उनकी छवि बोलूँ तो बस यही है कि हमेशा हसमुख और एक हम्बल और एक साइड बाय साइड बहुत ही महान इंसान जो थे वो हमारे बीच में थे। कोई ऐसा वाक्य, आपने कहा आपने उनके साथ वर्ल्ड टूर पे भी गई थी, तो कोई ऐसा वाक्य जब आपको उन्होंने कुछ बताया हो, सिखाया हो, जो आज भी आपके जहन में हो वो बात? जी, बहुत सारी बातें थी। और क्योंकि वो भी वेजिटेरियन थे, मैं भी वेजिटेरियन थी, तो फॉरेन कंट्री में जाके थोड़ा वेजिटेरियन थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होती है, तो कई बार ऐसा हुआ था कि शोज हमारे बैक टू बैक थे तो खाने को कुछ था नहीं अवेलेबल वेज में, तो हमें तो फ्रेंच फ्राइज और कॉफी पीकर चलो चलो इसी से शो करते हैं, वो खा के वो शो करने लग गए। फिर उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि होटल में पानी नहीं आ रहा था, तो सब लोग बड़े परेशान थे, अरे नहाएं कैसे नहाएं कैसे, स्विमिंग पूल में देखा तो राजू जी स्विमिंग पूल में कूद गए, बोल रहे तो क्या हो गया, ये भी तो पानी है ना। और हमेशा एक बात बोलते थे कि हमेशा याद रखना, जोक कभी किसी का होता नहीं है, हमेशा हंसाने का, बस हंसाना है ये सोचो और जोक हमेशा नया मान के सुनाओ। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम लोग जोक एक बार है तो रिपीट नहीं कर सकते, लोग बोल देते अरे सुना है ये सुना है, राजू जी बोलते थे नहीं, जोक है जोक, हमेशा एक ने सुना दूसरे ने नहीं सुना होगा, उसको भी सुनाओ, सबको सुनाओ, जितना हंसा सकते हो उतना हंसाओ। तो ये कुछ बातें हैं मुझे हमेशा उनकी याद रहती हैं कि कैसे उन्होंने किसी भी परिस्थिति में हमेशा एक लाइट मूड में और हंसते हंसते वो निकाल लेते थे कोई तरीका, और हंसी को लेके उनकी क्या अप्रोच थी, और हमेशा इंकरेज करते थे, हमेशा ये बहुत अच्छा किया, वो बहुत अच्छा किया। मतलब कभी उन्होंने ऐसा कोई होता ना कि क्रिटिसाइज किया हो कि ये चीज अच्छी नहीं थी, हमेशा ही मोटिवेट किया। और बहुत मतलब दुख की बात है, मैं क्या बताऊं। असली दुनिया को हंसाने वाला आज शांत हो गया है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। बहुत भारी दिल है अभी इस वक्त मेरा, और मतलब कोई भी, मैं उनसे अभी मुंबई पुलिस का एक इवेंट था तो उसमें मिली थी, तब भी इतने हंसते हंसते, इतने ऐसे जिंदा दिल, हमेशा एकदम यंगस्टर्स की सोल थी उनकी, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि राजू जी हमसे उम्र में इतने बड़े हैं, तो ऐसी वाली कोई बात, हमेशा यंगस्टर्स की यंग बातें करते थे, यूथ की बातें करते थे, हमेशा इंकरेज करते थे, हमारी शादी हुई तो उसके लिए इतनी ब्लेसिंग्स दी, एकदम अपनेपन से, और मतलब बहुत ही घर जैसी उनके साथ फीलिंग आती थी कि कोई घर के हमारे मेंबर हैं।